हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने जब घर की बैठक में सो रहे वृद्ध किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा मोहल्ले की है, जहां मंगलवार रात 55 वर्षीय ईश्वर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त ईश्वर घर की बैठक में अपने बिस्तर में लेटे हुए थे, जबकि मृतक का बेटा परिवार के साथ ऊपरी मंजिल पर सो रहा था। अगर मृतक के बेटे की माने तो उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिवार के लोगों ने जब नीचे बैठक में आकर देखा तो ईश्वर को गोली लगी अवस्था में पाया। परिजनों ने मृतक को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ एक ईश्वर नाम के 55 साल उम्र के एक वृद्ध किसान हैं, उनकी किसी व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी है। अभी हम लोग घटना स्थल पे हैं, घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। आशा है कि जल्दी ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लगे हुए हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है घटना जल्दी अनावरित हो जाएगी। अभी ये बात आपको नहीं बताई जा सकती है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुलिस के हाथ हत्या से जुड़े कुछ अहम सुराग लगे हैं और पुलिस बहुत जल्द हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजते हुए पूरी घटना का खुलासा कर देगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।